हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। सो होप यू कीप इंजॉइंग एंड नाउ इट्स टाइम टू डू सम स्टडी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ अलाइड लॉ, विच चैप्टर इंक्लूड्स SEBI ICDR regulations. So the chapter we are going to start today is SEBI ICDR. SEBI ICDR. Guys, सबको पता है ये chapter, हम में से बहुत लोग guys इस chapter को छोड़ कर भी जाते हैं, but मैं बता दूँ guys एक बात आपको, अगर आप इस चैप्टर को छोड़कर जा रहे हैं, गाइस सुनिए मेरी बात, सुनते जाइए ध्यान से, अगर इस चैप्टर को आप छोड़कर जा रहे हैं तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आप कर रहे हैं। गाइस हमें जब पक्का पता है, जब सर्टेन है, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली आना ही आना है, तो गाइस वाई शुड वी क्विट दिस चैप्टर। वी कैन वर्क हार्ड ऑन दिस चैप्टर एंड वी कैन मेक स्ट्रेंथ ऑन दिस चैप्टर, वी कैन गिव टाइम ऑन दिस चैप्टर, बट देर इज़ नो नीड टू क्विट दिस चैप्टर गाइस। यहाँ पर हमारे गाइस कुछ छः नंबर गाइस हमारे पक्के हो रहे हैं, फिक्स हो रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है हमें इस चैप्टर को छोड़ने की। एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ फॉर सी ए फाइनल एज वेल एज सी एम ए स्टूडेंट्स। तो गाइस सबके लिए है ये वीडियो, CS वाले मेरे फ्रेंड्स के लिए भी है, CA वाले उनके लिए तो है ही है ये, और CMA वाले फ्रेंड्स के लिए भी है ये वीडियो। तो इसको हम एटलीस्ट कुछ मिनिमम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में गाइस हम नहीं पढ़ेंगे वो 50-60 पेज, और जिनकी भी बुक से आप पढ़ते हैं गाइस वो 50-60 पेज बेकार हैं, वो उनको आपको बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर गाइस कंसेप्ट भी समझेंगे, कुछ मेन हम अराउंड 10 क्वेश्चंस करेंगे और ट्राई करेंगे कि उसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पूरा जो SEBI ICDR है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे गाइस। सो गाइस डोंट वरी, ट्रस्ट मी गाइस, हम ऐसा इसको यहाँ पर अभी प्रिपेयर करेंगे कि आप इसको एकदम इजी, आपको ये चैप्टर एकदम ईजीएस्ट लगेगा। बस प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू दिस वीडियो एंड आप देखते रहिए कंटिन्यूस इस वीडियो को। प्लीज़ गाइस इसको वीडियो को ज़रूर देखिए, और वीडियो देखने के बाद एक बार मेरे को ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मैंने बहुत एफर्ट्स किया है गाइस इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए कि हम ये 6 मार्क्स जो अपने हैं SEBI ICDR के, या मुझे नहीं पता CS वालों के लिए इसकी वेटेज चाहे थोड़ी ज़्यादा भी हो, तो उसको हम क्यों ना एक बार पक्का करें। ठीक है गाइस, तो देखते हैं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, ग्रीन शू ऑप्शन, ग्रीन शू ऑप्शन। तो गाइस क्या आइडिया लगता है आपको इससे, आपने कभी पढ़ा है, आपको क्या कुछ इसके बारे में क्या पर्टिकुलर नॉलेज है, आप दिमाग में देखिए गाइस कि क्या आपको क्या इसके बारे में पता है। तो हम क्या कैसे करेंगे गाइस, पहले इसका कंसेप्ट समझेंगे फिर इसका राइटअप देखेंगे। गाइस हमारे को साथ साथ में टाइम का भी देखना है और अपने कॉन्सेप्ट्स का भी देखना है, और मतलब इन्हें मोस्ट रीजनेबल मैनर हमें इसको कवर करना है, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं करना हमें। तो गाइस लेट्स कंटिन्यू। तो इसके लिए गाइस आप क्या करेंगे, हम एक पिक्चर क्रिएट करेंगे यहाँ पे गाइस, बिल्कुल रियलिस्टिक पिक्चर होगी, और उसी पिक्चर से आपको पूरा ग्रीन शू ऑप्शन समझ आएगा। प्लीज़ गाइस फोकस कीजिएगा इसके ऊपर जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो देखते हैं, सपोज XYZ कंपनी, गाइस एक कंपनी है और ये गाइस पब्लिक है, ठीक है। गाइस इस पर्टिकुलर कंपनी वांट्स टू स्टार्ट अ पर्टिकुलर न्यू प्रोजेक्ट, सो दिस पर्टिकुलर कंपनी इज़ इन नीड ऑफ फंड,
सो ही डिसाइडेड टू रेज फंड थ्रू पब्लिक इशू. सो द एक्स वाई जेड कंपनी पब्लिक के पास जाती है और अपना पब्लिक इशू निकालती है गाइस. लेट से पब्लिक इशू है हमारा 10 करोड़ का. ध्यान से देखते जाइएगा गाइस. हमने अभी तक क्या देखा, एक एक्स वाई जेड कंपनी है, पब्लिक है. एक्स वाई जेड कंपनी को ही वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट. सो एक्स वाई जेड कंपनी नीड्स फंड्स. सो एक्स वाई जेड कंपनी डिसाइड्स टू रेज फंड थ्रू पब्लिक इशू. सो इट मेक एन पब्लिक इशू अमाउंटिंग टू ₹10 करोड़. जब पब्लिक इशू निकाला, जब सब कुछ पब्लिक के पास गया, ऑफर डॉक्यूमेंट सब कुछ प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू किया, तो जो इसकी डिमांड आई गाइस वो ही आई 12 करोड़ की. पब्लिक इशू था 10 करोड़ का, लेकिन जो लोग थे अप्लाई करने वाले, जो पब्लिक के लोग थे, उन्होंने 12 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया. तो एप्लीकेशन बाय 12 करोड़, जो एप्लीकेशन रिसीव हुई वो 12 करोड़ रुपए की एप्लीकेशन कंपनी के पास रिसीव हो गई. 12 करोड़ की एप्लीकेशन रिसीव हो गई. तो अब क्या होगा गाइस, अब ग्रीन शू ऑप्शन पिक्चर में आएगा. देखते जाइएगा गाइस, ध्यान से. नाउ स्टेबलाइजिंग एजेंट होता है गाइस, जो लीड बुक रनर या मर्चेंट बैंकर होते हैं, उनमें से कंपनी एक अपना स्टेबलाइजिंग एजेंट अपॉइंट करती है. तो इसका क्या रोल होता है देखते हैं. अब स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या करेगा, अभी हम ग्रीन शू ऑप्शन की हम बात करेंगे कि उसको कैसे, जब ओवर अलॉटमेंट हो गए तो ग्रीन शू ऑप्शन से कैसे हम जो है इसकी जो प्राइस को, जो फॉल, जो फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अभी हम ये देखने वाले हैं. तो स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या काम करता है, वो प्रमोटर्स के पास जाता है. स्टेबलाइजिंग एजेंट प्रमोटर्स के पास जाता है और कहता है, सर सर प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, आपके पास जो शेयर्स हैं वो तो रखे हुए हैं शेयर्स, उसकी कोई वैल्यू तो जनरेट हो नहीं रही, प्लीज़ मेरे को आप वो शेयर्स लेंड कर दीजिए, आप वो शेयर्स मेरे को दे दीजिए प्लीज़ लेंड योर शेयर्स. ठीक है गाइस, स्टेबलाइजिंग एजेंट उनको, प्रमोटर्स को बोलता है कि आप अपने शेयर्स जो है मेरे को दे दीजिए. प्रमोटर्स एग्री कर जाते हैं. ये शेयर्स, प्रमोटर्स के शेयर्स शेयर्स स्टेबलाइजिंग एजेंट के पास चले जाते हैं. तो जो अब शेयर्स आए हैं ये और जो एप्लीकेशन आई थी गाइस, 10 करोड़ का हमने पब्लिक इशू निकाला था और 12 करोड़ की हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी. तो एक्सेस एप्लीकेशंस कितनी आई थी, दो करोड़ की. और यहाँ पर जो प्रमोटर से शेयर्स लिए हैं वो शेयर्स उसने यहाँ पर रख लिए. तो अब होगा क्या, जैसे यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन आई हुई है, स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ये शेयर्स जो हैं ही विल ट्रांसफर ऑल द शेयर्स टू दीज पीपल्स, दीज पर्सन्स. ठीक है गाइस, ये जो शेयर्स हैं ये सारे इनको ट्रांसफ़र कर देगा. ठीक है गाइस, अब जो जो ये मिनिमम जो पीरियड जो प्रोसेस चलता है, ये प्रोसेस 30 डेज़ का होता है गाइस, दिमाग में रखेंगे. ये जो स्टेबलाइजिंग पीरियड होता है वो 30 डेज़ का होता है. ठीक है, अब लेट सपोज होता क्या है, पब्लिक इशू निकलने के बाद, सब कुछ होने के बाद, नाउ द पब्लिक, जो पब्लिक के पास शेयर्स हैं 12 करोड़ के इस टाइम पे, पब्लिक वांट्स टू सेल
जैसे ही सब कुछ ख़त्म हुआ 30 दिन के पीरियड के अंदर अंदर ही जो पब्लिक ने शेयर खरीदे थे ओवर एलोटमेंट हुआ था 12 करोड़ का। अब पब्लिक को कुछ पसंद नहीं आ रहा या कुछ कुछ भी हो सकता है गाइस, हमें उस पे मैटर पे नहीं जाना। नाउ द पब्लिक वांट्स टू सेल शेयर्स, नाउ द स्टेबलाइजिंग एजेंट गाइस, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना भूल गया, जो शेयर्स हमने जो ट्रांसफ़र करे थे इन पर्सन को, इसके जो पैसे आए थे हमारे पास, मनी भी तो आई होगी ना गाइस, ये मनी हमने एक बैंक अकाउंट में रख ली थी, ठीक है। तो अब जो है पब्लिक वांट्स टू सेल शेयर्स, तो स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इस बैंक अकाउंट की जो मनी से वो शेयर्स जो है बाय करेगा, ठीक है। बाय करके क्या होगा गाइस, शेयर्स जब बाय होंगे तो ये शेयर्स कहां पर जाएंगे, इन ए डिपॉजिटरी अकाउंट, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमें दो अकाउंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ये जब अभी हम राइटअप अपना लिखेंगे उसमें आपको देखेंगे कि हम दो अकाउंट्स की बात करेंगे, डिपॉजिटरी अकाउंट और बैंक अकाउंट हमें एक अलग से खुलवाना पड़ता है। तो अभी आपने उसकी नेसेसिटी देख ली कि क्या ज़रूरत है दो बैंक अकाउंट खुलवाने की, एकदम प्रैक्टिकल केस लिया है गाइस मैंने, उसमें मैंने आपको दिखाया है। एक बार स्टार्ट से देखते हैं कि एक कंपनी थी, उसको कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था, वो पब्लिक इशू रेज करा, 10 करोड़ का पब्लिक इशू था, एप्लीकेशन आई 12 करोड़ की, 2 करोड़ जो है एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई। एक्सेस अगर जब डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है तो शेयर का प्राइस जो है ऊपर उठने लगता है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट प्रमोटर्स के पास गया, प्रमोटर से शेयर्स अपने पास लेकर आया और वो जो शेयर्स थे वो शेयर्स जो उधार के शेयर्स थे वो इनको दे दिए, जो जिन्होंने एक्सेस अप्लाई कर दिया था कि ये अभी क्योंकि डिमांड थोड़ी हाई जनरेट हुई थी, हमने सप्लाई को इंक्रीज़ कर दिया, डिमांड को बिठा दिया, प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये हमने यहाँ पर ये काम किया। उसके बाद क्या हुआ, जो 30 डेज़ का स्टेबलाइजेशन पीरियड होता है उस पीरियड में लोगों ने इसको सेल करना स्टार्ट कर दिया, तो जब शेयर जब सेल जब कम कम जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं तो प्राइस जो शेयर का है वो नीचे जाना शुरू कर देता है। तो हमारा मेन मोटिव ग्रीन शू ऑप्शन का क्या था कि हमें प्राइस की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना था, तो स्टेबलाइजिंग एजेंट फिर यहाँ पे पिक्चर में आता है, वो कहता है हाँ बोलो कितने शेयर तुमने बेचने हैं, मैं बैठा हूँ मेरे को दो। वो क्या करता है, जो पैसे यहाँ पे रिसीव हुए थे इस पैसों से वो शेयर खरीद लेता है। तो खरीदते ही वो क्या करता है, सप्लाई यानी कि अभी इंक्रीज़ हुई थी वो उसके साथ साथ डिमांड भी इंक्रीज़ कर देता है, तो फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर लेता है। अब बात करते हैं गाइस कि जो शेयर्स उधार लिए थे, अभी हमने इतना समझ लिया कि ये प्रोसेस कैसे चलता है, अब एक चीज़ और देखते हैं कि जो शेयर हमने उधार लिए थे प्रमोटर से, अब हमें स्टेबलाइजिंग एजेंट को प्रमोटर को शेयर वापस करने हैं, तो या तो जो डिपॉजिटरी अकाउंट में इस टाइम शेयर्स हैं तो इट्स वेल एंड गुड, ये शेयर्स उठाकर हम जो हैं प्रमोटर्स को दे देंगे, ठीक है गाइस। अगर एक फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है कि अगर शेयर्स हमारे पास हैं, मान लो गाइस अगर कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, जो सेकंड वाला केस था हमारा वो हुआ ही नहीं, मतलब डिमांड जो लोगों ने बेचा ही नहीं, मतलब बेचना स्टार्ट ही नहीं किया और हमारे पास शेयर्स आए नहीं, स्टेबलाइजिंग एजेंट ने शेयर खरीद भी नहीं पाया, तो क्या करेगा, ये पैसा जो है अभी अनयूटिलाइज्ड होगा फिर इस टाइम पे, अगर उसने शेयर्स नहीं खरीदे होंगे तो ये पैसा तो अनयूटिलाइज्ड होगा ना गाइस, तो वो क्या करेगा, स्टेबलाइजिंग एजेंट इस पैसे को कंपनी को देगा और कंपनी को बोलेगा कि आप नए शेयर्स इन पर्टिकुलर प्रमोटर्स को इशू कर दो, ठीक है गाइस, इशू कर दो इनको शेयर्स, न्यू शेयर्स इशू कर दो, पैसे मैं दे रहा हूँ। तो गाइस एक ये ऑप्शन है, तो होप कर गाइस मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया है इसको समझाने के लिए, अगर फिर भी आपको अभी कुछ डाउट रहता है तो प्लीज़ गाइस प्लीज़, ये मेरा नंबर है 9716659527,
प्लीज़ गाइस, इट्स माई प्लेजर इफ़ एनी वन आस्क मी एनी क्वेरी अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बिकॉज गाइस आवर मेन मोटिव इज़ टू फिक्स द 6 marks विच विल कन्फर्म दैट ये क्वेश्चन आना ही आना है. तो गाइस हमें ये कन्फर्म करना ही करना है, फिक्स अपने 6 number करने ही करने हैं. मैंने बहुत एफर्ट लगाया है इसको समझाने के लिए, अगर फिर भी बाई चांस किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता देन ही और शी विल कॉल ऑन दिस नंबर और टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर, आई विल इमीडिएटली रिप्लाई टू द कंसर्न पर्सन. प्लीज़ गाइस हमें इसको पक्का करना है. तो ये ग्रीन शू ऑप्शन का कंसेप्ट मैंने यहाँ पे पूरा बता दिया है, अब इसके राइटअप के ऊपर एक बार चलते हैं. राइटअप में सबसे पहला पॉइंट गाइस आएगा मीनिंग. मीनिंग ऑफ ग्रीन शू ऑप्शन, जितना भी गाइस हमने वहाँ पे उस डायग्राम में समझा है वो सारा अभी मैं उसको राइटअप में लिखूंगा, बस और कुछ नहीं होगा. तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. मीनिंग में हम देखने जा रहे हैं एंड ग्रीन शू ऑप्शन इज एन ऑप्शन ऑप्शन ऑफ एलोकेटिंग शेयर्स इन एक्सेस ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग इन पब्लिक इशू एंड ऑपरेटिंग पोस्ट लिस्टिंग प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 days. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज दिस ऑप्शन इंक्रीजेस द चांसेस टू गेट द शेयर्स. थर्ड पॉइंट इज इट गिव्स द अंडरराइटर अ राइट टू सेल ए राइट टू सेल शेयर्स मोर देन ओरिजिनली प्लान्ड टू इन्वेस्टर्स. फोर्थ पॉइंट. प्रोवाइड एडिशनल प्राइस स्टेबिलिटी बिकॉज अंडरराइटर has ability to increase supply and smooth out price fluctuation of demand सर्जेस. इसको बोलते हैं क्रिएशन. ठीक है गाइस, ये हमारा मीनिंग कंप्लीट हुआ. अब प्रोसेस देखते हैं एक बार. प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट
प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट होगा गाइस रेजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग टू अलॉट स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज टू स्टेबलाइजिंग एजेंट। रेजोल्यूशन पास करवाएंगे गाइस एक जनरल मीटिंग में। सेकंड पॉइंट होगा अपॉइंट स्टेबलाइजिंग एजेंट अमंग द मर्चेंट बैंकर और बुक रनर अपॉइंटेड बाय द कंपनी। नाउ इसी के साथ एक और पॉइंट आएगा गाइस स्टेबलाइजिंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल स्टेबलाइजिंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म। इसी के साथ एक और पॉइंट लिंक होगा स्टेबलाइजिंग पीरियड शेल स्टेबलाइजिंग पीरियड शेल नॉट एक्सीड 30 days आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। ठीक है गाइस, इस सेकंड पॉइंट इस ये तीन पॉइंट बनते थे वैसे, लेकिन मैंने सेकंड पॉइंट में ये एक सीरीज़ बना के इनको लिंक किया है। तो ऐसे ही अगर आप लर्न करेंगे तो इट्स बेट ये बेटर रहेगा गाइस। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पॉइंट स्टेबलाइजिंग एजेंट मेक्स एन एग्रीमेंट टू बोरो शेयर्स। ठीक है, स्टेबलाइजिंग एजेंट प्रमोटर के साथ एग्रीमेंट करेगा शेयर्स बोरो करने का। तो जो शेयर्स वो बोरो कर सकते हैं इट शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द इशू साइज। नाउ इसी के साथ एक लिंक हु इज एलिजिबल टू लेंड शेयर्स। आंसर who holds more than 5% of total share capital may lend। It may include promoter or pre-issue shareholder। तो गाइस इस पॉइंट में भी हमने तीन पॉइंट कवर करे हैं। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट पूरा चेन बनकर, ये सेकंड पॉइंट पूरी चेन,
एक सेकंड पॉइंट, एक फर्स्ट पॉइंट था, एक सेकंड पॉइंट की चेन बनी, एक थर्ड पॉइंट की चेन बनी. नाउ मूव ऑन टू फोर्थ पॉइंट. अभी गाइस एक इसमें काम और रह गया, चलो इसको नेक्स्ट पॉइंट में कवर करते हैं. स्टेबलाइजिंग एजेंट, स्टेबलाइजिंग एजेंट विद इश्यूअर एग्रीमेंट. टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है. टर्म्स एंड कंडीशंस पहला पॉइंट. स्टेबलाइजिंग एजेंट, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगी. फिर सेकंड पॉइंट आता है एप्लीकेबल फीस एसेट्रा. फीस वगैरह सब डिसाइड कर लेंगे ये, ठीक है. उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, स्पेशल बैंक अकाउंट और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अकाउंट, इसको ओपन टू बी ओपन. ये दोनों अकाउंट ओपन करवाएंगे. क्यों करवाएंगे वो देखते हैं. तो हमने पहले समझ तो लिया ये गाइस एग्जांपल में, अब एक बार देख लेते हैं. बैंक अकाउंट इसलिए ओपन करवाएंगे, बैंक अकाउंट किस लिए ओपन करवाएंगे, टू क्रेडिट द मनी रिसीव्ड फ्रॉम ओवर अलॉटमेंट. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अकाउंट किस लिए करवाएंगे, टू क्रेडिट द सिक्योरिटीज परचेस्ड फ्रॉम मार्केट. ये पांच पॉइंट हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं. सिक्स पॉइंट, शेयर्स ऑफ प्रमोटर और प्री इशू शेयर होल्डर्स टू बी रिटर्न विद इन टू डेज आफ्टर द क्लोजर ऑफ प्राइस स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म. तो यानी प्राइस स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म कितने दिन चलता है, 30 days. तो 30 days प्लस 2 days, 32 days में हमारे को प्रमोटर्स को शेयर्स जो है रिटर्न करने पड़ेंगे. नाउ इसी के साथ एक पॉइंट लिंक करता है. इफ़ द स्टेबलाइजिंग एजेंट नॉट एबल टू परचेस शेयर्स फ्रॉम मार्केट देन ही ट्रांसफर फंड्स टू द कंपनी एंड कंपनी विल इशू सिक्योरिटीज, कंपनी विल इशू सिक्योरिटीज, कंपनी इशू सिक्योरिटीज टू प्रमोटर. ठीक है गाइस, सिक्स पॉइंट ये हमने चेन के साथ कवर करा है. नाउ द लास्ट पॉइंट इज सरप्लस इफ एनी लेफ्ट इन द स्पेशल बैंक अकाउंट, इट शुड बी ट्रांसफर टू IEPF. तो गाइस इसी के साथ हमारा ग्रीन शू ऑप्शन पूरा ख़त्म होता है. सबसे पहले हमने मीनिंग देखा था,
मीनिंग में हमने क्या देखा था कि ये एक ऑप्शन है कि एलोकेटिंग जो एक्सेस शेयर्स इशू करने के लिए ऑप्शन है, इससे जो डिमांड है उसको कंट्रोल करा जा सकता है। ब्रोकर के पास एक ऑप्शन होता है, स्टेबलाइजिंग एजेंट के पास एक ऑप्शन होता है कि वो मार्केट में सप्लाई उसको बढ़ाकर और शेयर प्राइस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी एक फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि उनको जो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द शेयर्स शुड बी इंक्रीज्ड, वो बढ़ जाती है उनकी प्रोबेबिलिटी। फिर हमने प्रोसेस में देखा, सबसे पहले रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। सेकंड पॉइंट में गाइस स्टेबलाइजिंग एजेंट अपॉइंट करना पड़ता है। स्टेबलाइजिंग एजेंट वही होता है जो गाइस जो बुक बिल्डिंग के टाइम पे कंपनी ने जितने भी मर्चेंट बैंकर्स या बुक रनर्स अपॉइंट करे थे उन्हीं में से एक सिलेक्शन करके स्टेबलाइजिंग एजेंट कंपनी अपॉइंट कर देती है। वो रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे प्रोसेस के लिए और वो प्रोसेस 30 दिन तक चलती है। उसके बाद स्टेबलाइजिंग एजेंट एग्रीमेंट करता है प्रमोटर के साथ कि वो शेयर्स कुछ हमारे को लेंड कर दे। वो शेयर्स जो है 15% से ज़्यादा लेंड 15% ऑफ द इशू साइज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वो नाउ फिर हमने आगे पढ़ा था हु इज़ एलिजिबल टू लेंड शेयर्स, कि कौन एलिजिबल है शेयर्स को लेंड करने के लिए। तो हमने यहाँ पर देखा है जिसके पास 5% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल से ज़्यादा शेयर्स हैं दैट पर्सन इज़ एलिजिबल टू लेंड, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट में देखा स्टेबलाइजिंग एजेंट और इशूअर एग्रीमेंट एंटर करते हैं जिसमें वो अपनी फीस और टर्म्स एंड कंडीशंस सिलेक्ट करते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा एक स्पेशल बैंक अकाउंट और डिपॉजिटरी अकाउंट खुलवाना पड़ता है। स्पेशल बैंक अकाउंट इसलिए खुलवाना पड़ता है कि जो पैसे आए हैं हमारे पास ओवर अलॉटमेंट से, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था वहाँ पे 2 करोड़ रुपये गाइस 2 करोड़ रुपये फालतू आए थे, तो 2 करोड़ रुपये इस बैंक अकाउंट में आएंगे। फिर हमने उसके बाद देखा था कि वो 30 दिन के पीरियड में लोगों ने शेयर्स सेल करना स्टार्ट कर दिया था, तो उस टाइम पे वो जो शेयर सेल कर रहा था तो इस बैंक अकाउंट से मनी यूटिलाइज करके हम वो शेयर खरीद के यहाँ पर डाल देंगे। इसलिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अकाउंट भी खुलवाना ज़रूरी है। उसके बाद हमने 6 पॉइंट में यहाँ पर देखा है कि जो शेयर्स हैं प्रमोटर के वो विद इन 32 डेज, यानी कि आफ्टर 2 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म रिटर्न कर इट शुड बी रिटर्न टू द रिस्पेक्टिव प्रमोटर्स और प्री इशू शेयर होल्डर्स। सॉरी, अगर वो रिटर्न नहीं कर पाते हैं तो वो जो पैसा जो यहाँ पर इस बैंक अकाउंट में था ये पैसा हम कंपनी को दे देंगे और कंपनी नए शेयर इशू कर देगी प्रमोटर को। उसके बाद भी अगर कुछ पैसा उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में बच जाता है तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा IEPF अकाउंट में। सो गाइस, इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CA स्टूडेंट्स एंड CMA स्टूडेंट्स, ग्रीन शू ऑप्शन यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। ये इसके साथ मैं क्या करूँगा, ये पर्टिकुलर स्लाइड्स तो आपको मिलेंगी डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा एक और जो मैंने एकदम नीट एंड क्लीन नोट्स हैं वो भी प्रिपेयर करे हैं, तो वो भी साथ में आपको दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, अभी फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, 9 मोर क्वेश्चंस वी हैव टू कंप्लीट इट। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू।